हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम आधुनिक भारत में अकाल आयोग और समितियों को देखने वाले हैं। तो बहुत ही जल्दी ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, बहुत छोटा सा है, चूँकि यूजीसी नेट यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको कवर हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मिथ समिति की, जो कि 1860 से 61 में बनी थी। स्मिथ समिति, इस समिति ने 1860 से 61 में दिल्ली तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में आए भयंकर दुर्भिक्ष यानी कि अकाल के कारणों तथा उनके प्रभावों की क्या है समीक्षा की थी। तो चूंकि ये सबसे पहली समिति है, स्मिथ समिति, जो कि 60 और 61 के बीच में बनी थी। अब इसका जो परिणाम है वो क्या निकला था, तो इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का कोई परिणाम नहीं निकला इस समय। आगे देखते हैं, आगे जो है कैंपेल आयोग बना, कैंपेल आयोग यानी 1866 से 67 के बीच में इस आयोग ने 1866 से 67 में उड़ीसा में, पहला वाला था दिल्ली और उसके आसपास, दूसरा था उड़ीसा में आया को अकाल का अध्ययन किया और जांच की रिपोर्ट पेश की। आयोग का विचार था कि अकाल के समय राहत कार्य का दायित्व सिर्फ स्वयं सेवी संस्थाओं पर ही नहीं है। अब इसका परिणाम क्या निकला, ये तो उसने सिफारिश की थी। अब इसका परिणाम जो निकल के आता है वो ये कि आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर सरकार ने राहत कार्य में स्वयं भी रुचि लेने की क्या है रुचि ली, और जो सहायता की वो क्या थी, बहुत थोड़ी सी सहायता उन्होंने की। लेकिन यहाँ क्या है, जो अकाल पड़ते हैं उसमें क्या है, अब सरकार उसमें अपनी भागीदारी निभाने लग गई सहायता के लिए, चाहे वो थोड़ी सी ही क्यों ना हो। तो ये काम हुआ था 1866 से 67 के बीच में। आगे है स्ट्रेची आयोग बनता है, स्ट्रेची आयोग ये 1878 से लेके 80 तक आयोग बना। इस आयोग ने अकाल के संबंध में गहन जांच पड़ताल कर ये सिफारिश की कि अकाल पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है, तो स्टेट का है, राज्य का है। उसने प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी। तो पहला वाला जो है दिल्ली तथा आसपास के उसमें था स्मिथ समिति, और दूसरा है कैंपेल आयोग जिसमें उड़ीसा में आए अकाल के बारे में उसने डिस्कस किया, एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें क्या है परिणाम ये निकल कर आता है कि सरकार ने भी उसमें कुछ अपनी सहायता की। फिर तीसरे में क्या है, वो ये बात करता है कि हर जो अकाल पड़ता है उससे पीड़ितों की सहायता करने का जो दायित्व है वो किसका है, वो स्टेट का, राज्य का है। इसके लिए स्ट्रेची आयोग ने कहा कि अकाल आयोग स्थापित, हर प्रांत में अकाल आयोग क्या कर दिए जाए, स्थापित किए जाए। आगे देखते हैं इसका परिणाम क्या निकलता है कि सरकार ने क्या किया, अकाल कोष बनाने का प्रयास किया, प्रयास यहाँ पर किया जाता है, और 1883 में अकाल संहिता बनाई गई। आगे है लायल आयोग 1897 में बना। इस आयोग ने 1896 से 97 में भयंकर दुर्भिक्ष यानी अकाल के संबंध में सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत की। आयोग ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों से सहमत प्रकट करते हुए अनुशंसा की कि अकाल में सहायता संबंधी उपायों का और विस्तार किया जाए, यानी कि अकाल में जो सहायता दी उपाय किए जाएं उसमें और थोड़ा सा ऐड किया जाए, विस्तार किया जाए। और इसका परिणाम क्या हुआ, सरकार ने आयोग की लगभग सभी सिफारिशें को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब आगे हम बात करेंगे मैकडोनल्ड आयोग, जो कि 1900 ईस्वी में बनी। आयोग ने सिफारिश की कि अकाल से निपटने के लिए ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए तथा नीतिगत प्रक्रिया पर ज्यादा बल दिया जाए।
इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भविष्य की अकाल सहायता नीति निर्धारित की। आगे और लास्ट है जॉन वुडहेड आयोग, 1945 में बना। इस आयोग ने सन 1945 में आयोग अकाल की समीक्षा की तथा अकाल से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव जो है सरकार को दिए। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले है स्मिथ समिति, 1860 में बनती है, जिसमें वो सिर्फ बताते हैं दिल्ली और उसके आसपास के प्रभाव और कारण की समीक्षा करते हैं और रिपोर्ट देते हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता है। दूसरी है कैंपल आयोग, 1866 से 67। इसमें क्या है, उड़ीसा में आए अकाल की वो रिपोर्ट बनाते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या है, सरकार को रुचि लेनी चाहिए। और तीसरी स्ट्रेची आयोग, इसमें क्या है कि कब हुआ था स्ट्रेची आयोग, कब बना था, 1878 में, और इसमें बताया कि जो अकाल पीड़ितों की सहायता करने का जो दायित्व है वो राज्य का है, इसके लिए अकाल आयोग स्थापित करने की सिफारिश की गई। इसका परिणाम निकला कि अकाल कोष बनाया बनाने का प्रयास किया गया और अकाल संहिता बनाई गई। चौथा है लायल आयोग, 1897 में। इसमें क्या किया गया कि जो सहायता है उसको क्या विस्तार दिया गया और जो सरकार ने क्या है सारी सिफारिशें क्या है स्वीकार कर ली। आगे है मैकडॉनल्ड आयोग, जो कि 1900 में बना था। इसमें क्या किया कि इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर क्या है भविष्य में अकाल सहायता नीति निर्धारित की गई। आगे है मतलब मैकडॉनल्ड ने ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी। आगे है जॉन वुडन आयोग, ये लास्ट है क्योंकि हमारा 1947 में क्या हो गया था, देश आजाद हो गया था, तो ये लास्ट है और इसमें क्या है महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए सरकार ने। तो ये बस इतना ही, यही जितने अकाल से संबंधित आयोग थे वो इतने ही महत्वपूर्ण हैं और आपको इतना ही पढ़ना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।